फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस से बनी हुई अलग अलग तरह की इमेजेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, केस वन अगर हम लेते हैं तो केस वन में है इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। वी नो वेरी वेल दिस इज द ऑप्टिक सेंटर, दिस इज फोकस एंड फोकस विल बी इन द फ्रंट, डबल ऑफ फोकस दिस विल बी हियर। फ्रंट में भी ऐसे ही है जैसे बैक में, ठीक है। तो पहले केस में हमने लिया है जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में। तो मान लीजिए ये फोकस है और ये ऑप्टिक सेंटर है, इसके बीच में रखना है हमें, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, दिस इज माय ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे कि सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट होगी वो ऊपर से जाएगी, दूसरी भी यहीं से जाएगी लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती है, वो सॉरी ऑप्टिक सेंटर से होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्टिक सेंटर से होती हुई जाएगी तो आपको पता है कि स्ट्रेट ऑब्जेक्ट से आ रही है और स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो पैरेलल है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर वन, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी गो थ्रू द फोकस, फोकस से होती जाएगी। तो इसका मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, है ना। तो दोस्तों, अगर हम इस चीज़ को, इन दोनों रेस को मिलाते हैं पीछे की साइड, तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, मतलब इमेज का साइज कितना बड़ा हो गया आप देख सकते हैं। ये ए, ये बी डैश और ए डैश, मतलब ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया इस वीडियो में कि जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो एक तो वो बड़ा बनेगा और जो इसका लेंस है इसके बिहाइंड बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, ठीक है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा क्योंकि रियलिटी तो है नहीं, रियल इमेज तो है नहीं क्योंकि वो लाइट रेस तो यहाँ चली गई है, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं और वो इसका मतलब ये वर्चुअल है, लेकिन बनेगा इरेक्ट, सीधा बनेगा, ठीक है। तो क्वालिटीज़ क्या क्या होंगी इस इमेज की, एक तो ये बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, नंबर टू वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा और वर्चुअल बनेगा, एंड नंबर थ्री लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, कितना ज़्यादा फर्क है। तो अब हम केस टू में देखेंगे जब ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस पर, फ्रेंड्स केस नंबर टू में क्या है, देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, अब की बार जो हमें ऑब्जेक्ट रखना है फोकस पे रखना है। तो देखिए दोस्तों, दिस इज ऑप्टिक सेंटर, इट इज फोकस वन, इट इज सेकेंड फोकस इन द फ्रंट, इट इज फर्स्ट फोकस एंड इट इज सेकेंड फोकस। तो दोस्तों, अब की बार हमने जैसे केस में पढ़ा है कि हमें ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना है, इसको फोकस पे रख दिया तो हमें पता है एक वर्टिक, एक पैरेलल लाइन जाएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और एक सेंटर ऑप्टिक सेंटर से होती जाएगी, तो जो ऑप्टिक सेंटर से होती जाएगी वो तो सीधी हो जाएगी ना, लेकिन जो लाइट रे पैरेलल थी वो फोकस से होती जाएगी, ये रूल नंबर वन था। तो दोस्तों, ये लाइन को अगर हम आगे तक बढ़ाते चले जाएं तो कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दिस मीन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पर अब इमेज बनने वाली है जब फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट। तो याद रखेंगे जब फोकस पे इमेज बनेगी तो कहाँ कहाँ बनेगी, उसका प्लेस होगा एट इन्फिनिटी, सेकेंड जो बनेगी वो रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड बनने का रीज़न है वो नीचे बन रही है लाइन से, ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है नीचे बन रही है, ये भी ऑब्जेक्ट है हमारा और नीचे बन रही है तो इसका मतलब इन्वर्टेड है। और नंबर थ्री, हाईली एंड लार्ज बनेगी क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रही है
बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, समझ में आया। अब हम बात करेंगे केस नंबर थ्री की, जब फोकस और सेकंड फोकस के बीच में रखी होगी ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स इन द केस थ्री हम बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट को हम एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में रखेंगे, मतलब दिस इज ऑप्टिक सेंटर, दिस इज फर्स्ट फोकस, दिस इज सेकंड फोकस, दिस इज एफ फर्स्ट फोकस एफ डैश एंड दिस इज टू एफ डैश, मतलब ऑब्जेक्ट अब की बार एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में रखना है। ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको हम ए भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर रूल की तरह इस बार भी एक लाइन जाएगी जो कि स्ट्रेट होगी और पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो दोस्तों इस बार वो झुकेगी किसकी तरफ, फोकस की तरफ, फोकस से होके जाएगी जो भी पैरेलल जाएगी, और जो सी मतलब सेंटर ऑप्टिक सेंटर से होती जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी। तो दोस्तों अगर हम इसको आगे जाके देखें तो ये दोनों जो रेज हैं वो इस पॉइंट पर मिल रही हैं, मतलब इस पॉइंट पर मिल रही है, तो सीधी सी बात है वो इमेज यहाँ बन रही है। तो आप देख सकते हो कि इमेज थी, ऑब्जेक्ट था छोटा, इमेज बढ़ रही है बड़ी, बी डैश ए डैश, ये ऊपर बन रही है तो सीधी बन रही है, ये नीचे है तो उल्टी बन रही है, उल्टी बन रही है, रियल है ये, क्योंकि रियल रेज से बन रही है, रियल है लेकिन इन्वर्टेड है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, और टू एफ से पीछे बन रही है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहली क्या है, बियॉन्ड एफ टू एफ डैश, सॉरी टू एफ से बनेगी, मतलब टू एफ से पीछे बन रही है। नंबर टू, रियल बन रही है क्योंकि रियल राइट से एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बन रही है, सीधी थी ये उल्टी थी। और नंबर थ्री ये है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जो भी है उससे काफ़ी बड़ी बन रही है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम केस फोर की बात करेंगे जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस बार टू एफ पे रखेंगे। फ्रेंड्स इस केस में हम केस नंबर फोर में समझेंगे जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे टू एफ डैश पर, मतलब दिस इज सी ऑप्टिक सेंटर, दिस इज एफ, दिस इज टू एफ, एंड सिमिलरली दिस विल बी एफ डैश एंड दिस विल बी टू एफ डैश सेकेंड फोकस। तो दोस्तों अब की बार हमें जो ऑब्जेक्ट रखना है वो टू एफ डैश पे रखना है, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए और बी। तो हर बार की इस बार भी तरह हम एक लाइट रे निकालेंगे पैरेलल, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और एक जाएगी ऑप्टिक सेंटर से होती हुई। तो ऑप्टिक सेंटर वाली तो सीधी चली जाएगी, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन जो इसके पैरेलल जा रही है वो फोकस से होती जाएगी, ठीक है। फोकस से होने जाने वाली टू एफ डैश के सामने ही कट कर रही है, मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट ए बी था वही ऑब्जेक्ट बी डैश ए जेड, मतलब सेम साइज है, साइज बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस सेम है, जहाँ वो बन रही है वही वो बन रही है, लेकिन उल्टी बन रही है, मतलब इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि वो रियल रेस से बन रही है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली क्या है, एट द डिस्टेंस टू एफ, मतलब उस उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा उतनी दूरी पर इमेज भी बनेगी। नंबर टू, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और जो बढ़िया बात है वो ये है वो सेम साइज़ की बनेगी एज द ऑब्जेक्ट, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। इस तरह हमने केस फोर भी पता किया, और नेक्स्ट केस में हम टू एफ डैश के पीछे रखने वाले हैं। फ्रंट केस नंबर फाइव में ऑब्जेक्ट को हमें टू एफ डैश पे रखना है, मतलब दिस इज ऑप्टिक सेंटर, दिस इज फर्स्ट फोकस, दिस इज सेकेंड फोकस, फर्स्ट फोकस सेकेंड फोकस इन द फ्रंट। अब की बार जो ऑब्जेक्ट रखेंगे हम वो रखेंगे टू एफ डैश पे, मतलब ए बी इज अवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हर बार की तरह इस बार भी एक लाइन स्ट्रेट निकालेंगे जो कि पैरेलल होगी, और कहाँ से जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी, और दूसरी लाइन जो कि हम कहाँ से निकालेंगे, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ ऑप्टिक सेंटर से निकालेंगे, वो सीधी जा रही है।
ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी इमेज, ये जो हमारी इमेज है ठीक है, ये बन रही है यहाँ। तो अब इस इमेज फॉर्मेशन का कहाँ क्या है सिस्टम वो हम देखते हैं, डिफाइन करते हैं। देखिए ये जो इमेज बनेगी, हमेशा याद रखिए ये जो इमेज बन रही है ये 2f' और f के बीच में बन रही है, ठीक। तो इमेज की जो प्लेस होगा, आप इसको जब स्केल से बनाएंगे तो ये एग्जैक्टली अपने आप उसी प्लेस पर बनेगा जहाँ पे होती है, ठीक है। ये इमेज बनेगी f एंड 2f' के बीच में, ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। सेकेंड, ये देखें आप रियल लाइट रे से बनी है तो रियल बनेगी, बट इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। देखिए आप ये ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, नीचे बन रही है। और लास्ट पॉइंट है थर्ड, जो कि ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनेगी, इट विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये छोटी बनेगी, ठीक है। और लास्ट केस है केस नंबर 6, जब इन्फिनिटी से आने वाली रेस से हम फोकस और इमेजेस बनाएंगे। फ्रेंड्स केस नंबर 6 में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब इतनी ज़्यादा दूर, फार ऑफ अवे, कि हम उसको देख तो पाएँ लेकिन अंदाजा ना लगा पाए कितनी दूरी पर। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे पिछले केस में भी हमने सीखा था कि एक रे पोल पर गिरी थी तो इस बार ऑप्टिक सेंटर पर गिरेगी, एक ऊपर से, ठीक है। तो मान लीजिए लाइट ऑफ रे यहाँ से गुजर के जा रही है और दूसरी रे जो आ रही है वो रिफ्लेक्शन में भी चेंज हुई थी, रिफ्लेक्शन में चेंज होगी और वो आती हुई अब क्या होगा, नीचे की तरफ झुक जाएगी। तो दोस्तों जहाँ भी वो झुकेगी वो उसका फोकस होगा, वो उस लाइट रे का फोकस होगा, और जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो वो छोटा ही इमेज बना के रखेगा। तो ये b'a' जो है वो इमेज है, ठीक है। ये क्या, क्योंकि रियल रे ऑफ लाइट से बनी इसलिए रियल है लेकिन इन्वर्टेड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रहा है ऊपर, ये नीचे बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट क्लू हमें मिला है, एट द फोकस इमेज बनेगी, सेकेंड रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक। नंबर थर्ड स्मॉलर, मतलब बहुत ज़्यादा, अगर मच बोलूँ तो कोई कमी नहीं, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। इसी के साथ हमने कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली सभी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस को लर्न कर लिया है। आप वीडियो को 3-4 बार देखें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और उसके साथ हम अब आगे सिखाएंगे आपको कॉन्केव लेंस से बनने वाली इमेज फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।